नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। ये गाड़ी है आइशर प्रो 3019। इस गाड़ी में यहाँ पर 18.5 टन का GVW मिल जाता है और 4 सिलेंडर का गाड़ी में यहाँ पर इंजन आता है। आइशर का खुद का बनाया हुआ इंजन है E494 के नाम से। और गियर बॉक्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर ET76S यहाँ पर गियर बॉक्स मिल जाता है, 7 गियर आगे तरफ और 1 रिवर्स गियर आपको यहाँ पर मिल जाता है। 18 फिट, 20 फिट, 22, 24 और 32 फिट डेक लेंथ के साथ ये गाड़ी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसमें यहाँ पर इको मोड, यहाँ पर 2 इको मोड दिए हुए हैं बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। आइशर की गाड़ी यहाँ पर लोग क्यों लेते हैं, देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है भैया माइलेज। ट्रिप गाड़ी ज़्यादा निकालती है, इंजन बहुत बढ़िया है, इंजन में कोई भी कंप्लेंट नहीं है, किसी भी एग्रीगेट पार्ट है चाहे गियर बॉक्स उसमें कंप्लेंट नहीं है, दिक्कतबाजी नहीं है। इतनी ज़्यादा स्टीक यहाँ पर आइशर ने गाड़ी बनाई हुई है। आपको मैं बता रहा था इको और इको प्लस मोड, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इसमें ले सकते हो। आगे यहाँ पर रिवर्स इले टाइप एक्सल दिया हुआ है, पीछे यहाँ पर सिंगल फ्लोटिंग रिडक्शन वाला एक्सल यहाँ पर मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस गाड़ी में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आइशर लाइव भी आपको यहाँ पर मिलता है। आप गाड़ी को पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रैक कर सकते हो। जो क्लच इस गाड़ी में दिया है 362 mm का यहाँ पर आपको क्लच, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा क्लच भी नहीं कहते। 4 सिलेंडर के हिसाब से अगर मैं क्लच की बात करूँ तो बहुत ठीक ठाक है। और अगर बात करें हम इस गाड़ी में AC या कुछ नहीं आता, सिर्फ ब्लोअर वेरिएंट ही आता है। आपकी कोई राय जो आइशर कंपनी को आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप यहां पर जरूर लिख देना। नए से नए वीडियोस के लिए आप गिल ट्रक बॉडी के चैनल को फॉलो जरूर कर ले। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।